सुमन अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास पूनम जी ने उसे टोक दिया। बहू कहाँ जा रही हो? सुमन ने बहुत विनम्रता से कहा। माँ जी, भैया की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर सुमन बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। पूनम जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन भैया की बीमारी की खबर सुनकर भी चुप रह गई। पूनम जल्दी से घर पहुंची तो देखा भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पूनम ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कितनी खांसी आ रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। भैया को संभाल मोटर लेकर आती हूँ। हाँ, बढ़िया हॉस्पिटल में चलेंगे। पूनम भैया को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने पूनम से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल उनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। पूनम भैया को एडमिट करा कर घर पहुँची तो उसके पति संदीप उसका इंतजार कर रहे थे। संदीप ने आते ही पूनम से पूछा, कैसे हैं भैया? तो उनसे मिलने गई थी, कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता है ना माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखी बैठी है, कम से कम पापा को सोचती और अपने घर जाकर ही बैठ गई। यह सुनकर पूनम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, भैया की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ, आप सब बैठिए, अभी 20 मिनट में आपके लिए सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर संदीप का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी सेक देना, वह बाहर का खाना नहीं खाती है, तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। पूनम को संदीप का उसकी कदर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसकी माँ भैया की ओर लगा था, पता नहीं अब कैसी होंगी। वह फ़ोन करना चाह रही थी, सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है? भैया की माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, उनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा है, डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट करने के लिए सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा मन का बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? पूनम ने कहा, ठीक है माँ मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी, तू सुबह आ जाना और ये काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 20,000 रुपये जमा करने हैं तभी इलाज शुरू होगा, तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बाद करके पूनम नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे, वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज से अपना बचपन याद आ रहा था, उसके पापा कहते थे, मेरा बड़ा बेटा छोटा है तो क्या हुआ बेटी है, मैं इसे इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बड़ा बेटा बनेगा। आज अपने आप को इतना लाचार मान रही थी, पूनम काश वह लड़का होता तो कम से कम इस समय अपने भाई का ख्याल तो रख सकती थी। इसी तरह काम निपटा कर सोने के चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा कि संदीप गहरी नींद में सो रहे हैं। सुबह वह जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता संदीप बनाकर संदीप का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि अलमारी में 20,000 रुपये पड़े हैं जो संदीप ने कल घर खर्च के लिए दिए थे। सुमन ने सोच कर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। भैया के पास पहुंचा तो देखा भैया कुछ ठीक लग रहे थे, वह पूनम को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये ले चेक, जा बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे। तभी रिपोर्ट मिली कि सुमन ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए हैं, अभी घर जाऊँगी तो बैंक से निकाल कर लूँगी, भैया का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो न जाने मुझे कितना भला बुरा सुनेगा। सुमन बोली, माँ चिंता मत करो, मेरे पास घर के पैसे खर्च थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूँगी, मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने। संदीप के साथ सुमन कुछ देर वहाँ रुक कर चेक कर लेकर पहुँच गई। गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, आप तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर संदीप को पता लग गया कि घर घर के पैसे मायके में दिए हैं तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसके सास पूनम जी गुस्से में बैठी थी। पूनम जी बोली, भू यह सब क्या है, रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम भी गायब हो, अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम बीमार सब बीमार पड़ जाएंगे, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले इस हाल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे भैया हैं? यह सुनकर सुमन रोने लगी। नहीं माँ जी ऐसे मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर सुमन तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे भैया की चिंता थी, उधर उसे संदीप के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए, शाम को संदीप ने आधी
आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। सुमन ने उसे कमरे में ले जाकर उस सारी बात बता दी। सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसलिए छोटे भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था, आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता को लुटाती रही हो। यह सुनकर सुमन ने सबर का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे दिए थे, सोमवार को वापस कर दूंगी, और रही बात बिना भाई की बहन की शादी करने की, तो हमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी सहजा तुम्हारे तुम्हें मिल जाए। आज मेरे भैया हॉस्पिटल में है, मैं डर डर कर करूँ देखने जाती हूँ। घर आते ही मुझे उल्टा सीधा सुनाने को लगते हैं, जैसे भैया के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं अभी अपनी माँ के घर जा रही हूँ, अपने भैया को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब संदीप ने कहा, मैं भी देखता हूँ वह तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। सुनने जवाब दिया उसे, इसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ। यह कहकर सुमन एक बैग में कपड़े लगाकर मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह बेटी की कैसे आजाद हो गए होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपनी माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुँच कर उसने बैग रखा और सीधा हॉस्पिटल पहुँच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, संदीप ने मुझे यहाँ रहकर भैया की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन भैया की रिपोर्ट आ गई, उसमें पेट में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन सुमन ने 20,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। इस दोनों में उसके भैया ठीक हो गए। सुमन ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू संदीप से बात कर कर वापस लौट जा। पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं अपने आत्मसम्मान की वजह से छोड़ा है, अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान न हो। आज के बाद मैं वह सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी जो एक बेटा अपने माँ बाप की उठाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।